होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। होम्योपैथिक को पैदा करने में डॉक्टर हनीमैन का पूरा ही योगदान है। डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथिक को की शुरुआत करी, उसके बाद इनका जन्म जो है 10 अप्रैल 1755 में हुआ। तो 1700 के लास्ट के आसपास में होम्योपैथी का एक दवाई निकली, दूसरी निकली, इस तरह से दवाइयाँ डॉक्टर हनीमैन जी ने निकालते गए 1800 के तक। 1843 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक हनीमैन जी ने काफ़ी हद तक होम्योपैथी में कई नए आविष्कार किए। उसके बाद कई आविष्कार अन्य डॉक्टरों ने करे, डॉक्टर एलन ने करे। इसके अलावा कई अन्य डॉक्टर हैं, बहुत ढेर सारे डॉक्टरों के नाम हैं, अगर नाम जी ले जाऊँ कि बहुत ढेर सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी, उन लोगों ने आविष्कार किया। इसी तरह से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में इसके साथ साथ में कुछ कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। WS बिल्मर स्वाबे जर्मन ने बहुत ज़्यादा योगदान किया। उनने अपने डाइल्यूशन दिए, अच्छी क्वालिटी के डाइल्यूशन दिए और अच्छी क्वालिटी के मदरिंचर दिए, अच्छी क्वालिटी की बैग भी दी और साथ में बढ़िया क्वालिटी के इनने टैचोसन दिए। और साथ में WS बिल्मर स्वाबे जर्मन ने 1996 से पहले पहले काफ़ी हद तक इतने कुछ पेटेंट आइटम भी दिए। जैसे मेरे पास में एक पेटेंट आइटम है भी, इस तरह से WS ने काफ़ी अच्छे पेटेंट आइटम दिए। उन पेटेंट आइटम के बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ में 96 के दशक में 1996 में WSI डॉक्टर बिल्मर स्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी इंडिया में स्थापित हुई। उसने भी कई डाइल्यूशन, वही अपनी पहचान लाई और डाइल्यूशन दिए, मदरचर दिए, बैगविक दी, साथ में डाइल्यूशन दिया। इसके साथ साथ में कई ढेर सारे उनने पेटेंट आइटम दिए, जिनसे होम्योपैथिक में को आगे बढ़ने में बहुत सा योगदान मिला। उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीनचंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समस्याओं का समाधान बताने के लिए डेली प्रस्तुत होता हूँ। जो आज मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ आप लोगों के सामने पर WS और WSI कंपनी की पेटेंट आइटम की के बारे में बताने के लिए, एक एक करके सारे पेटेंट आइटम के बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि कौन कैसा है, कौन किस तरह का है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और साथ में मेरे क्या ओपिनियन है WSI और WS कंपनी के पेटेंट के बारे में। जो हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का दबाना ना भूलें। और साथ में जो पुराने हमारे लोग हैं या अन्य लोग जो भी आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी आदमी मेहनत करता है, यूट्यूब में चैनल बनाता है, उसको लाइक करना बहुत प्यारा लगता है, बहुत सकता है। और साथ में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, बहुत फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी चीज़ का आपका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए जानते हैं, होम्योपैथिक में जो मदर नेचर है वो लिक्विड बेस में आता है, तो उसको लेने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इसी तरह से इसके होम्योपैथी का आविष्कार दिन पर दिन इतना ज़्यादा होते चले जा रहा है कि मदर नेचर को भी हम लोग टैबलेट बेस में बना रहे हैं। टैबलेट बेस में कई कंपनियों बना रखी है। आज मैं आपको WSI कंपनी की कुछ मदर नेचर जो टैबलेट बेस में बना रखी हैं 1x फॉर्म में, तो उनके बारे में बताने जाऊँगा। 1x फॉर्म में उनके बारे में बताऊँगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। कुछ मेडिसिन मैंने आपको 1x की पूर्ण रूप से बताई, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो टैबलेट फॉर्म मदरिंचर बेस है उसकी 1x फॉर्म में आती है। हाइपरिकम आती है 1x फॉर्म में, जो चोट लगने में, अन्य चीज़ों में काम आती है। अगर मदरिंचर बेस में आपको कोई लिखता है, लिक्विड फॉर्म में लिखता है,
तो हाइपेरिकम आपको वन एक्स फॉर्म में डब्ल्यू सी कंपनी की ले सकते हैं। इस तरह से बैप्टिस्ट आती है, बुखार हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, शाम के टाइम पर सिर में दर्द रहता है, बुखार रहता है, तो बैप्टिस्टिया वन एक्स का प्रयोग कर सकते हैं। मदनजर के बदले वन एक्स का प्रयोग कर सकते हैं, दो गोली सवेरे दिन में शाम को। इसकी MRP 150 रुपये है और हाइपेरिकम की MRP भी 150 रुपये है। इसका से फ्यूकस कोई लिखता है आपको पतले होने के लिए या अन्य कई चीज़ों में फ्यूकस मदनजर दिया जाता है, फ्यूकस मदनजर के बदले आप वन एक्स पॉम्बल ले सकते हैं। वन एक्स का फ्यूकस का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, 165 रुपये MRP का मेरे पास में है और फ्यूकस के बहुत बढ़िया रिजल्ट है वन एक्स फॉर्म में। इसकी दो गोली सवेरे दिन में शाम को ले सकते हैं। इसी तरह से जिंक्शन है, दर्द में या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में अगर कोई आपको डॉक्टर या अन्य आपको अगर जिंक्शन मदरनेचर में लेने को बोलता है तो आप वन एक्स पावर ले सकते हैं। वन एक्स और मदरनेचर सेम ही है, एक ही है, तो इसकी जो MRP में पड़ी है 280 रुपये MRP पड़ी है। जिंक्शन थोड़ा महंगा ही आता है, इसको आप दो गोली सवेरे दिन में शाम को ले सकते हैं, तीन बार ले सकते हैं, अगर दो बार चाहें तो दो बार भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह से ग्लेशिया गम्बोजिया है, इसका भी सेवन कर सकते हैं। मदरनेचर बेस में कोई लिखता है तो आप वन एक्स पावर में ले सकते हैं, इसको 145 रुपये MRP का मेरे पास में है। कैटेकस हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट कोई दिक्कत हो रही है, मदरनेचर बेस पर डॉक्टर ने लिखा हुआ है आपको, या मैंने कहीं पर बता रखा है आपको मदरनेचर बेस में, तो मदरनेचर की बेस की जगह पर आप वन एक्स पावर में ले सकते हैं। इजी गोइंग होता है, गोली बेस में होता है, तो इसकी दो दो गोली तीन बार सेवन कर सकते हैं। 10 बूंद की जगह पर एक बूंद, मतलब पाँच एक एक गोली बराबर 5 बूंद, 10 2 गोली बराबर 10 बूंद के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं लगातार। बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाए थे वन एक्स फॉर्म के। नए वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।